तुम्हारा सवाल क्या है सर? शहर में जो भी गुंडा राज चल रहा था वो तो आपने खत्म करवा दिया, लेकिन गुनहगार कौन है सर? और सर ये बताइए कि इन सब के पीछे किसका हाथ है सर? इस सब के पीछे किसका हाथ है इसका फैसला कोर्ट करेगा। इसका मतलब है आप नरसिम्हा और उनके भाइयों पर एक्शन लेने वाले हैं? डेफिनेटली, सिर्फ नरसिम्हा ही नहीं, यहाँ जंगल राज चलाने वालों में से जिस किसी का भी हाथ हो उन्हें मैं सजा दिलवाऊंगा, चाहे वो जो कोई भी हो। अगर आपको जान का खतरा हुआ तो? खतरों से अगर मैं डरता तो पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ज्वाइन ही नहीं करता। क्या सबूत है इसमें नरसिम्हा का हाथ है? बिना सबूत के कोई भी काम नहीं करता, यह DCP रामचंद्र। मान लो जो आप कर रहे हैं वो गलत साबित हुआ तो क्या करेंगे आप? कानून बना है समाज की सुरक्षा करने के लिए, ऐसे में जो कानून के हित में काम करेगा वो कानून की नजर में गलत कैसे होगा? सर पब्लिक जो कह रही है वो क्या गलत है? ऐसा होने नहीं दूंगा, 24 घंटे के अंदर उससे और उसकी टीम को कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, जेल की सलाखों के पीछे धकेल दूंगा। कल तक तो वो समाज सेवक थे सर, आज आप उसे मुजरिम कह रहे हैं? जो इस देश में गैर कानूनी काम और खून खराबा करता है वो समाज के सेवक नहीं है, वो समाज के दुश्मन है। तो ये आपका आखिरी फैसला है सर? जी हाँ, इंसान से गलतियाँ होती है, उस गलतियों को सुधारने का मौका मैं एक बार देता हूँ, बार बार वही गलतियाँ जो दोहराता है तो फिर मैं मौका नहीं देता हूँ, डायरेक्ट वार करता हूँ। हेलो अंकल, मैं बोल रही हूँ गंगा। हाँ गंगा, बोलो बेटा, क्या हुआ बेटा, खाना खाया है क्या? खाना तो खाएगी, लेकिन तेरे श्राद्ध का। कौन हो तुम? शेर, बब्बर शेर नरसिम्हा। ए एसीपी, जिस बच्ची को तू पाल रहा है ना, अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जा कुत्ते। हेलो, बिल्कुल टाइम पे सही जगह पर मौत को गले लगाने के लिए पहुंच गया, इसका मतलब तेरी मर्दानगी को दाद देनी चाहिए। hey! मर्दानगी मुझ जैसे वीरों के पास ही होती है, मुझसे मिलना चाहते थे एनी टाइम एनी डेट एनी स्पॉट, इसी तरह मैं अकेला ही आता हूँ, लेकिन तू तो एक बच्ची की जान को ढाल बनाकर खेल खेल रहा है ना मर्द। वर्दी पहनकर किसी एक इलाके का पुलिस वाला बनकर तुझे इतना रुआब है तो फिर हमारे हाथ में पूरा स्टेट है तो हमें कितना रुआब होना चाहिए? इन सारे कुत्तों को पालकर भौंकने से तो कोई बहुत बड़ा डॉन नहीं बन गया है, अगर सही मर्द है तो इन कुत्तों को छोड़कर जंगल के शेर भी पाल ले, तभी तेरे साथ फाइट करने में मजा और भी आएगा। हाँ, मौत के सामने होते हुए भी मौत से डरे बिना मौत से आंखें लड़ाने वाला तू, मौत का डर क्या होता है ये तुझे अभी दिखाता हूँ एसीपी। ए! मौत मेरी नहीं आई है, तुम लोग की आई है, शुरुआत तुम्हारे बाप से हुई है, इसका अंत मैं करूँगा। Hey!
बेटा रो मत, मैं मर भी गया तो सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बनोगी, ऐसा मुझे वचन दो। तुम बड़ी ऑफिसर बनके बाद में इन शैतानों को जेल के अंदर डालना, ये मेरा आखिरी सपना है। नहीं अंकल, नहीं। अंकल, अंकल। ओके बच्चों, तुम सब अच्छे से पढ़कर रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल कलाम, किरण बेदी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा जैसा बहुत नाम कमा कर लोगों के बीच में आदरणीय बनो, देश की एक सच्चा नागरिक बनो। मैं फिर आऊंगी। अच्छा।